शक कर रहे थे। ये सब क्वेश्चन अम्मा जी कोई और कर रहा है। कौन? पता था कोई ना कोई नई नौटंकी जरूर शुरू करूंगी। नहीं अम्मा जी, हम सच के हमारा यकीन मानिए, अब हमारे साथ चलिए। अम्मा जी वो इस वक्त हमारे कमरे में तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। अब चलिए हमारे साथ, चलिए। हाँ चल चल रहे हैं। आइए अम्मा जी ये देखिए। मैनेजर, नमस्ते ठाकुर साहब। चंदा का है जी। ठाकुर साहब वो एक्चुअली सॉरी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। सुमेर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करके समय कहाँ बर्बाद कर। आज की शाम खुशियों के नाम, और आप ऐसे बार बार सॉरी बोलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। आपके चेहरे पर ना टश नहीं जचता है। देरी हो रही थी ना इसलिए हमने खाना ऑर्डर कर दिया। अच्छा किया। अब देखते हैं कि आपको हमारी पसंद अच्छी लगती है कि नहीं। आप जाकर खाना ले आइए। ओके मैम। हमको तो लग रहा था कि यहाँ उस दिन के जैसे हमें समझ। हमें पूरा भरोसा था कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने आपकी आंखों में हमने पछतावा देखा था। ये तो हमारा फेवरेट खाना है। ये तो एक पत्नी का फर्ज होता है ना, अपने पति की पसंद और नापसंद का ध्यान रख। नहीं, एक ही प्लेट में खाएंगे। झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तो कोशिश करने में कहा जाता है क्यों ठाकुर साहब? सब हम जानते हैं कि घर जाते ही आप कई जिम्मेदारियों से घिर जाएंगे, जिसके सामने हम आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की शाम हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम थी, जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हम नहीं जानते कि हमारे रिश्ते का भविष्य कहाँ है, पर हम इसे दिल से निभाएंगे। आप इसे माने या ना माने, पर हम रिश्ते को अपना चुके हैं और आप हमेशा हमारे लिए हमारे पति ही रहेंगे।
अम्मा जी, हम आपसे विनती करते हैं, हम यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए, हम नहीं रह सकते यहाँ पे। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे सब? भैया अच्छा हुआ तुम आ गए, कहे कि अब और हम नहीं झेल सकते, तुम संभालो। क्या हुआ श्रद्धा जी, आपने फिर से यहाँ से जाने की रट लगा ली है क्या? शेठ जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें बस चले जाने दीजिए यहाँ से, नहीं रह पा रहे हम यहाँ पे। साला तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं, अगर तुम्हारा बच्चा इसके कोख में नहीं होता ना तो अभी बाल पकड़ कर फेंकते घर के बाहर। उपकार कर रही है यहाँ पर रह कर ये। अम्मा जी, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, पर का? हाँ? किसी चीज की कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज की कोई कमी है यहाँ पे? तो हमारी एक बात अच्छे से सुन लीजिए श्रद्धा जी, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता आप इस घर से नहीं जा सकती, और फिर आपको जहां जाना है वहां चले जाइए, कोई नहीं पूछेगा। जब हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, इस घर में हमारा बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। अब आप समझो मैं यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं। शेर जी, मैं यहाँ से इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की गई है, वो भी एक बार नहीं शेर जी, तीन बार। तुम रात भर सोती नहीं हो क्या? ये सब फूल जलूल ख्याल आते रहते हैं, कहानियां बनाती हो। शेजी हमारा किन किन कोई कहानी नहीं बना रहे। कमाल करती हो यार, पहले इल्जाम हमारी अम्मा पे लगाती हो जो हम बोलते हैं कि अम्मा ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अब ऐसा कौन सा माइकल लाल पैदा हो गया जो हमारी आंखों के सामने, हमारे नाक के नीचे हमारे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है? बोलोगी कौन है, बताओगी? हम किसी का नाम लेकर कलेश नहीं करवाना चाहते। अब कलेश की चिंता मत कीजिए, कलेश तो इस घर की रौनक है, आए दिन गोली बंदूक चलती रहती है। हम आपसे ना वादा करते हैं, आप बस नाम बता दीजिए किसने किया। बारूद पे फूंक देंगे, बताइए कौन है? बोलो, मुन्ना मामा ने तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की, बोलो। अब बताइए भांजे, कैसी बातें कर रहे हो यार? सुना, या फिर ये बेकार, इसने तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की, बोल बेकार। या फिर ये तुम्हारी गजरा, ये गजरा ने तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश की, बोलो गजरा। या सुनहरी, या फिर सुमेर होगा। एक काम करो, सुमेर से पूछो, सुमेर तुमने ऐसा किया? या फिर हमने तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश तो नहीं की? हाँ बोलो। बोलोगी चुप काए हो, किसने किया है सब पता है तुम्हें कुछ? बच्चे की जान लेने की कोशिश चलता ही कर रही है। बस यही बचा था, हम तुमको इसके मुंह से यही सुनवाना चाहते थे।
बस चंदा ही मिली है इसे। ये गाय जैसी चंदा ने इसके बच्चे पर हमला किया। अब बताओ। नहीं अब्बा जी, हम सच के हमारा यकीन माने, हम तो चंदा को अपनी बहन मानते थे। हे! शादी से पहले मानते थे, शादी के बाद यह है तुम्हारी सौत, और सौत से सिर्फ एक रिश्ता होता है, वो है जलन का। जी, आप ऐसा काहे कर रही हैं? हमसे कौन गलती हुई है का? चंदा, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। चंदा, तुम्हारा असली चेहरा हम देख चुके हैं। चंदा जी, बस बहुत हो गया। चंदा हमारी पत्नी है। और कोई एक समय पे दो जगह कैसे हो सकता है? पूरा टाइम चंदा हमारे साथ थी, तो फालतू के इल्जाम लगाना छोड़िए। चले, जब क्या सबको जागरण करना है यहां पे, जाओ जाके सो जाओ। शेजी, जब हम जल ही रहे हैं और आपका मूड खराब कर ही रहे हैं, तो चले जाने दीजिए ना हमें यहाँ से। यही सबके लिए ठीक होगा, आपको भी परेशानी नहीं होगी और हम भी बेफिक्र होकर जी सकते हैं। अब है ना, आप अपनी उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले 9 महीने के बाद बच्चा इस घर में होगा और आप होगी इस घर की चौखट के बाहर। अपना दिल बहलाने के लिए चाहे तो कैलेंडर में डेट भी कट करना शुरू कर दीजिए, समझिए। चंदा, तुम्हारी आंखों में आंसू, सब कुछ ठीक तो है? ठाकुर साहब, आज आपने पहली बार हम पर भरोसा किया, सबके सामने हमारा साथ दिया। हम नहीं जानते कि चीची हम पर वो घटिया इल्जाम क्यों लगा रही है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम पर कोई भी उंगली उठा रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। चंदा, तुम ठीक तो हो ना? चंदा, तुम ठीक तो हो? आओ, अब इधर आओ। सुनहरे, तुम्हें तो हम पर यकीन है ना? सुनहरे, तुम्हें भी? ठाकुरानी, ऐसी बात नहीं है, पर आप जो भी कहेंगे हम उस सब मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो लड़की, लेकिन क्या सुनहरी? ठाकुरानी, चंदा को देख के ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो लड़की ये सब कुछ कर सकती है।
वो तो बड़ी नाजुक सी लड़की है। सुनहरी, हमारी बात समझने की कोशिश करो। जब पहली बार हमारे खाने में जहर मिला गया था तो चंदा ही हमारे लिए वो खाना लाई थी, और फिर जब मंदिर में तेल गिरा था, अम्मा जी ने हमसे कहा था कि चंदा दिया नहीं जला पाएगी। अब सोचो, अम्मा जी का मंदिर से क्या सर होगा, उन्हें कैसे पता चला कि दिया जला है या नहीं। चंदा ही ये सब कुछ कर रही है। लेकिन ठाकुराइन, ठाकुर साहब के साथ ही तो थी वो पूरा समय, आज उन्होंने खुद ही तो बोला, तो फिर यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि सब कैसे मुमकिन हो सकता है। कुछ तो है सुनहरी जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, पर हमें चौकन्ना रहना होगा। कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चे को कैसे भी बचा कर ही रहेंगे। ये लो, पानी पियो। आराम करो, सो जाओ, हमें कुछ काम है हमारे। आप ऐसा काहे कर रहे हैं हमारे साथ? आप जानते हैं हम कितने परेशान हो जाते हैं, सर दुखने लगता है हमारा, हम कांपने लगते, खून सफेद हो जाता है, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और कुछ भी करने लगते हैं। जैसे बिना पतवार के नाव बाढ़ में बहती रहती है ना, हम भी बहते रहते हैं, और फिर ब्रेक लगाने के लिए ना दवा खानी पड़ती है। हम आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं और आपको ढेर सारे खिलौने लाके देंगे, है ना? अच्छा जी, इससे इतना सारा प्यार, और हमारे लिए? आपसे तो हम और ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा। तभी तो अपनी नई वाली पत्नी को गुगली देके आपके साथ वक्त बिताने आए हैं।
आई लव यू शेरजी। मुझे क्यों शक आ रहा है?